प्रयागराज के थाना थरवई के अंतर्गत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रयागराज में कुख्यात अपराधी गैंग की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें तीन बदमाश पुलिस की गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि पुलिस ने सात बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं घायलों को देखने के लिए एसएसपी एसआरएन हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं। 23 अप्रैल की रात में थाना थरवई क्षेत्र के ख्यवराजपुर में बड़ी घटना हुई थी, जिसमें एक ही परिवार के पांच लोगों की निर्मम हत्या हुई थी। लूटपाट भी की गई थी और दुराचार की भी संभावना जताई जा रही थी, आगजनी भी की गई थी। ये बहुत दुर्दांत घटना थी, जिसको तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया था और सात टीमें उसी टाइम लगाई गई थी। हमारी टीमों ने दिन रात मेहनत किया और उनको सफलता मिली। बीती रात में एक इंटर स्टेट बहुत बड़े गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। इस पूरे गैंग में 13 मेंबर्स हैं, गैंगस्टर्स हैं, जो बिहार के 4 ज़िलों और यूपी के 2 ज़िलों के रहने वाले पाए गए हैं। ये 13 सदस्यों का बड़ा इंटरस्टेट गैंग है। इसमें कुल 7 बदमाशों डकैतों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है, जिसमें से 3 डकैत जिनको गोली लगी है पुलिस के द्वारा, उनको भी जब वो गिर पड़े हैं उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया है। उनमें से 2 बदमाश 25,000 की इनामी अपराधी भी हैं। इनमें जो बदमाश हैं वो बिहार के कैमूर ज़िले, औरंगाबाद ज़िले, भोजपुर ज़िले और रोहतास ज़िले के रहने वाले हैं। साथ ही साथ यूपी के अंदर मिर्ज़ापुर ज़िले के चुनार क्षेत्र से और प्रयागराज ज़िले के फाफा मऊ क्षेत्र से भी 3 बदमाश इसमें पाए गए हैं। कुल 13 लोगों का गैंग है। इनके कब्जे से 3 तमंचे, 315 बोर के भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुआ है। साथ ही साथ लोहे की रॉड्स, चाकू इत्यादि बरामद हुई है, जिसे ताबड़तोड़ वार करके लोगों को मरणासन्न स्थिति में पहुंचा देते हैं। फिर घरों में लूटपाट करते हैं, अलमारी बक्से खंगालते हैं और उसके बाद वहां पे मौजूद युवतियों को, महिलाओं का दुराचार भी ये करते हैं। ऐसी बातें उनसे पूछताछ में प्रकाश में आई हैं। अभी 7 बदमाशों को सभी सबूतों के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जाएगा। इसमें डिटेल में प्रेस ब्रीफिंग हमारे ADG जोन प्रयागराज जोन के द्वारा अभी 2 बजे के आसपास की जाएगी। बहुत सारे चौंकाने वाले फैक्ट्स, बहुत सारे रोचक तथ्य इसमें सामने आए हैं, जो आपको अवगत कराया जाएगा। अभी फिलहाल 13 लोगों का ये गैंग है, इसको बस्ट आउट किया गया है और 7 लोगों को आज जेल भेजने की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। इस घटना से, पूछताछ से हमने पाया है कि 2 बड़ी चुनौतीपूर्ण और सनसनीखेज घटनाओं का खुलासा हुआ है, जिसमें से एक गोहरी हत्याकांड है जो पिछले साल नवंबर में 2021 में हुआ था, और इस साल जो थरवई में हत्याकांड हुआ उसका भी खुलासा इन बदमाशों के द्वारा बताया गया है। और सारी चीज़ें बिल्कुल सबूतों के साथ एक एक कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए हमने पूरा पर्दाफाश किया है। इस पूरी घटना के खुलासे से निश्चित रूप से गंगा पार क्षेत्र में जो एक ही परिवार के कई कई लोगों की हत्याएं होती थी, दुराचार होता था, उसमें भारी कमी आएगी। मुझे उम्मीद है कि घटनाएं दोबारा रिपीट नहीं होंगी। इसके 4 सदस्य अभी भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए 7 टीमें लगी हुई हैं, इन हमारे राडार पे हैं, बहुत सारे क्लू मिले हैं और जल्दी उनको भी गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।